एक ऐसा जीव जो 30 साल तक बिना खाना और पानी के जिंदा रह सकता है। एक ऐसी टेक्निक जिससे आप अपने सपने को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रैटल स्नेक के रैटल साउंड का कारण सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने रुद्राक्ष तो देखा ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि इसका कलर ब्राउन होता है, लेकिन क्या आपको पता है इसका ब्राउन कलर इसके ड्राई होने के बाद आता है? और क्या आपको यह पता है ड्राई होने से पहले इसका क्या कलर होता है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ड्राई होने से पहले इसका कलर कुछ इस प्रकार ब्लू होता है और यह एक स्टोन फ्रूट होता है जो कि एलियोकार्पस गनिट्रस नाम के ट्री में उगता है। और इन ट्रीज की लंबाई 18 से लेकर 24 मीटर यानी 60 से 80 फीट तक होती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आमतौर पर एक इंसान बिना पानी के 7 दिन तक और बिना खाने के 30 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसी प्रकार पोलर बियर 6 से 7 महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी जीव है जो कि बिना खाना और पानी के 30 साल तक जिंदा रह सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे पृथ्वी पर एक ऐसा भी जीव पाया जाता है जो 30 साल तक बिना खाना और पानी के जिंदा रह सकता है। इस जीव का नाम टार्डिग्रेड्स है। टार्डिग्रेड्स एक 8 पैरों वाला माइक्रो एनिमल है जिसका साइज 1 mm से भी कम होता है। इसे टफेस्ट एनिमल ऑन अर्थ भी कहा जाता है क्योंकि 30 साल तक बिना खाए जिंदा रहने के अलावा यह आर्कटिक के आइस में जलते हुए ज्वालामुखी में यहाँ तक कि स्पेस में भी जिंदा रह सकता है। दरअसल यह जीव अपने आप से पानी को अलग करके अपने आप को बॉल शेप में कन्वर्ट कर लेता है। इस प्रोसेस को क्रिप्टोबायोसिस बोलते हैं और ऐसा करके ये टफ से टफ सिचुएशन में भी आसानी से लंबे समय तक रह सकता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट हो रही है उतनी एडवांस भी। बड़ी बड़ी मशीन्स और एडवांस रोबोट इसके जीते जागते एग्जांपल हैं। इंसानों के काम को आसान करने के लिए रोबोट बनाए जा रहे हैं और उनको और रियलिस्टिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों का यूज किया जा रहा है। लेकिन जब तक इन रोबोट्स का कंट्रोल इंसानों के हाथ में है तब तक तो ठीक है, लेकिन क्या हो अगर ये इंसानों के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए? दरअसल फेसबुक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट बनाया था जिनका निकनेम एलिस और बॉब रखा गया था, लेकिन उनको बनाने के कुछ ही दिनों बाद उनको शटडाउन करना पड़ा और इसका रीजन जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल उन रोबोट्स ने आपस में बात करने के लिए अपना खुद का लैंग्वेज डेवलप कर लिया था जो कि इंसानों के समझ में नहीं आ रहा था, जिससे सब डर गए थे और इसी रीजन के कारण उन रोबोट्स को बंद करना पड़ा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि जैसे लेंथ को मेजर करने की यूनिट मीटर होती है, टाइम को मेजर करने की यूनिट सेकंड होती है, वैसे ही पेन को यानी दर्द को मेजर करने की भी यूनिट होती है जिसे डॉल कहा जाता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तब मौत के कारण के अनुसार डॉल की वैल्यूज अलग अलग होती है। मतलब अगर किसी इंसान की मौत जहर खाने से हुई तो उसे 10 डॉल का पेन, फांसी लगाने से हुई तो 26 डॉल का पेन, वैसे ही हार्ट अटैक से हुई तो 33 डॉल का पेन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी भी डेथ का कारण है जिससे एक भी पेन नहीं होता है, मतलब 0 डॉल का पेन, और वो है न्यूक्लियर ब्लास्ट। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियर ब्लास्ट में मौत होने से एक भी पेन नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियर ब्लास्ट में जब तक दिमाग दर्द महसूस करता है उससे पहले ही उसका एक्सप्लोजन जान ले लेता है, इसलिए न्यूक्लियर ब्लास्ट में दर्द का पता नहीं चलता है। फैक्ट नंबर 5, आजकल पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। इसका एक मेन रीजन है गाड़ियों से निकलने वाले गैसेस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर उसे पॉल्यूट करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 10 में से एक बच्चे की मौत इन्हीं गाड़ियों द्वारा निकले गए हार्मफुल गैसेस से होती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसी भी कार है जो खुद तो कोई पॉल्यूशन नहीं करती बल्कि दूसरी कारों द्वारा किए गए पॉल्यूशन को भी साफ करती है तो आप विश्वास नहीं करेंगे। दरअसल ह्युंडई ने जीरो एमिशन कार बनाई है जिसमें एडवांस एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। यह सिस्टम दूसरी गाड़ियों के हार्मफुल गैसेस को सक करके उनको फिल्टर करता है। हर घंटे यह गाड़ी 27 किलो तक का एयर प्यूरिफाई कर सकती है जो कि 42 लोगों के हर घंटे सांस लेने जितनी एयर है। इस खूबी के साथ साथ यह गाड़ी इलेक्ट्रिक से नहीं बल्कि हाइड्रोजन सेल से चलती है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से 5 गुना ज्यादा पावर जनरेट करता है। इसके साथ ही यह गाड़ी एमिशन के रूप में वाटर वेपर एमिट करती है जिससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है। फैक्ट नंबर 6, सपने तो हम सब देखते हैं। सपने में देखी गई चीजें हमारे दिमाग में चल रहे थॉट्स और मेमोरीज के कारण दिखाई देती हैं। लेकिन अक्सर आपके साथ यह प्रॉब्लम जरूर हुई होगी कि आपने कोई सपना देखा, फिर नींद खुलने के बाद आप उस सपने को याद करते हैं तो पूरी तरह वह सपना आपको याद नहीं आता। लेकिन अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ उससे आपकी यह प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दरअसल जापान के साइंटिस्टों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे आप अपने सपने को
रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में आप उस सपने को जब चाहें देख भी सकते हैं। इस मशीन को ड्रीम रीडिंग मशीन बोला जाता है। इस मशीन में दो टेक्निक का यूज किया जाता है। पहला MRI मशीन। जब हम सपने देखते हैं तो सपने में देखी गई चीजों के अनुसार हमारा ब्रेन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। इन हार्मोन्स का डाटा इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में MRI स्कैनर में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर दूसरी टेक्निक में इंटरनेट की सहायता से मिले हुए डाटा के अकॉर्डिंग इमेज सर्च की जाती है और लास्ट में उन इमेजेस की सहायता से ड्रीम पैटर्न तैयार किया जाता है जिसे आप जब चाहे देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम ओशियन है जिसमें तरह तरह के जीव पाए जाते हैं। ओशियन में अनेक प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर जीव पाए जाते हैं जैसे कि ये। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी जीव है जिसे वर्ल्ड्स मोस्ट अगलीस्ट एनिमल के नाम से जाना जाता है, यानी कि सबसे बदसूरत जीव। मिलिए ब्लॉक फिश से, जिसे सन 2013 में वर्ल्ड्स अगलीस्ट एनिमल का टाइटल दिया गया था, जो कि अभी तक टूट नहीं पाया है। लेकिन इसके इतने अगली होने का कारण क्या है? दरअसल इसकी स्किन और मसल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है जो कि वाटर द्वारा फिल होता है, जिस वजह से इसका शेप कुछ इस प्रकार से दिखता है और यह देखने में बहुत ही अजीब और अगली दिखती है। फैक्ट नंबर 8। सांप आमतौर पर शांत जानवर होते हैं। खतरा महसूस होने पर ही वे हमला करते हैं। हमला करने से पहले वे सामने वाले को चेतावनी भी देते हैं। जैसे कोबरा, वे हमला करने से पहले अपने फन को फुलाकर सामने वालों को चेतावनी देता है। ऐसे ही एक सांप की प्रजाति होती है जिसे रैटल स्नेक कहा जाता है। इसका यह नाम इसकी टेल से रैटल साउंड निकलने की वजह से रखा गया है। खतरा महसूस होने पर यह सांप रैटल की आवाज निकालता है कुछ इस प्रकार। लेकिन यह आवाज आती कैसे है? आप सोच रहे होंगे कि जरूर इसकी टेल के अंदर छोटे छोटे बॉल स्ट्रक्चर होते होंगे जिससे यह आवाज आती है, पर आप गलत हैं। दरअसल इसकी टेल अंदर से खाली होती है और इसकी टेल की बनावट कुछ इस प्रकार होती है जिसमें ये सेगमेंट्स एक दूसरे में कुछ इस प्रकार लूजली फिट होते हैं। और जब सांप अपनी टेल को हिलाता है तो ये सेक्शन आपस में टकराते हैं और रैटल साउंड की आवाज आती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आमतौर पर जब वॉर होती है तब वॉर में शामिल देश एक दूसरे के ऊपर गोली या बॉम्ब से अटैक करते हैं। लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको जो चीज दिख रही है वह और कुछ नहीं बल्कि एक टॉयलेट सीट है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक टॉयलेट सीट जिसे बॉम्ब की जगह यूज किया गया था। आपको लग रहा होगा कि यह टॉयलेट सीट यहाँ गलती से लग गई होगी, लेकिन यह गलती से नहीं बल्कि इसको जानबूझकर यहाँ लगाया गया था। दरअसल 1965 में वियतनाम में जब युद्ध हो रहा था तब एक फ्लाइट के पायलट ने पास में पड़े टॉयलेट सीट को देखा और उसे यूज करने का सोचा, जिसे कुछ इस तरह से फ्लाइट में फिट किया गया और इसका वीडियो भी बनाया गया। पता नहीं पायलट ने क्या सोचकर इसको वहां लगाया था, पर यह देखने में बहुत फनी था। फैक्ट नंबर 10। जब कभी कोई किसी को सैल्यूट करता है तब वह सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट और नम्रता को दर्शाता है। आपने सैनिकों को सैल्यूट करते हुए जरूर देखा होगा और आपको यह भी पता होगा कि हमारे भारत की सुरक्षा इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन तीनों को सैल्यूट करने का तरीका एक जैसा नहीं बल्कि अलग अलग है। जैसे जब इंडियन आर्मी का सैनिक सैल्यूट करता है तब वह अपने हथेली को बाहर की तरफ करता है, यह दिखाने के लिए कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है और सामने वाला उस पर विश्वास कर सकता है। जब एयरफोर्स का सैनिक सैल्यूट करता है तो वह 45 डिग्री का एंगल बनाता है जो कि आसमान की तरफ एयरफोर्स की ऊंचाइयों को दर्शाता है। वैसे ही नेवी के सैनिकों के हाथ ग्रीसिंग और अन्य कामों के कारण गंदे रहते हैं, जिस वजह से वह जब सैल्यूट करते हैं तब उनकी हथेली सामने की बजाय नीचे की तरफ रहती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।